उसमें देखा गया कि एक व्यक्ति जो है काफ़ी मात्रा में कैश की निकासी कर रहा था और थोड़ा संदिग्ध भी दिख रहा था। तो जब हमारी गश्ती में और पदाधिकारी ने जो है चेकिंग वहाँ पर किया, उनसे पूछताछ किया, तो ये एक साइबर गिरोह के सदस्य जो है पाए गए। का जो गिरोह वेस्ट बंगाल में है वो कस्टमर केयर बन के लोगों को उनका OTP शेयर करना और ये सब चीज़ों में ठगता है वो, और फिर एक बंदे को जो है ये दूसरे राज्य में भेज कर वहाँ से पैसा निकासी करता है। ये आज 22/11/23 को पत्रकार थाना अंतर्गत जो हम लोग जांच करते हैं बैंक्स की, ATMs की निरंतर रूप से, उसमें देखा गया कि एक व्यक्ति जो है काफ़ी मात्रा में कैश की निकासी कर रहा था और थोड़ा संदिग्ध भी दिख रहा था। तो जब हमारी गश्ती में और पदाधिकारी ने जो है चेकिंग वहाँ पर किया, उनसे पूछताछ किया, तो ये एक साइबर गिरोह के सदस्य जो है पाए गए। इनके पास से कुल 5 लाख जो है नगद बरामद हुआ, 26 ATM कार्ड इनके पास से विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं, 7 इनके पास ब्लैंक जो है चेकबुक्स बरामद हुई हैं और 6 इनके पास जो है स्मार्टफोन जो है बरामद हुए। जो पकड़ाया व्यक्ति है ये इनका नाम है प्रिंस कुमार और पिता स्वर्गीय शंकर यादव, ये जिला पुरुलिया वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और इसमें जो है ये इनका मेन यही रहता था कि जो गिरोह है वो कस्टमर्स को इसमें टारगेट बनाते थे और अपने ही गिरोह के कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में भेजकर वहां से पैसे की निकासी करते हैं ताकि अपना ये अपने आप को पुलिस के चंगुल से बचा सकें। इनसे जो अभी तक सामने आया है, इनका जो गिरोह वेस्ट बंगाल में है वो कस्टमर केयर बन के लोगों को उनका OTP शेयर करना और ये सब चीज़ों में ठगता है, जिसके बाद जो एक म्यूल अकाउंट बोला जाता है, ये लोग जो है डिफरेंट बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फर्जी दस्तावेज लेकर हो, चाहे किसी और के नाम पर हो, और फिर एक बंदे को जो है ये दूसरे राज्य में भेजकर वहां से पैसा निकासी करते हैं ताकि उसका जो निकासी कर रहा है उसका और दूसरे राज्य में जो गिरोह बैठा है उनके बीच में जो लिंक है वो प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। तो ये इन लोगों का मोडस रहता है। जितने भी बैंक हैं सभी वेस्ट बंगाल में हैं कि पटना में भी कुछ बैंक में खाते हैं? नहीं, जो अभी हम लोग जो डिटेल्स हम लोगों को ATM कार्ड्स का मिला है उसका पहले हम लोग निकलवाएंगे कि ये अकाउंट जो है कहाँ कहाँ के हैं, उसके बाद हम लोग स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। मोडस रहता था जैसा कि उन्होंने बताया कि लोगों को कॉल करना कि आपका जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है एक्सपायर होने वाला है, उसमें अपडेट करने के लिए आपको ये चीज़ें देनी होंगी, तो उसी जाल में फंस कर लोग जो है इनको डिटेल दे देते थे और जो पैसा जो था ये लोग अपने अकाउंट में उनसे ठगी करके ट्रांसफ़र करवा लेते थे और तुरंत उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो निकासी करने के लिए हैं, जैसे ही ट्रांसफ़र होता था होल्ड होने से पहले ये लोग उस चीज़ का निकासी कर लेते हैं, पैसा निकासी करने। ये वेस्ट बंगाल ही अभी तक मुख्तर रूप से आ रहा है कि वहाँ का गिरोह है और वहीं ये जाने वाले थे। अभी तक जो इनसे पूछताछ में वही आया है कि 5 लाख तक इन्होंने अभी हाल फिलहाल में निकाला है, लेकिन अभी जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी और छानबीन की जाएगी तो पूरा हम लोग बता सकते हैं कि कितना इन्होंने निकासी किया होगा। हाँ जी, इसमें आगे भी हम लोग इन पर पूछताछ करेंगे, रिमांड पर लिया जाएगा इनको और कस्टडी में लिया जाएगा, उनसे और भी जितने भी अकाउंट्स हैं उनका पूरा डिटेल निकलवा कर और पूछताछ की जाएगी। ये जो बंदा गिरफ्तार मिशन पे काम करते हैं, जो निकासी करने वाले हैं, जो मेन आपका जो मास्टरमाइंड रहता है वो एक जगह बैठकर मोस्टली ऑपरेट करते हैं, ठगी करने का काम करते हैं कि लोगों को कैसे लोभ देकर उनकी पर्सनल डिटेल्स ली जाए, उसके बाद जो निकासी करने के लिए ये लोग कमीशन पर लोगों को रखते हैं, तो 2% या 3% जितना भी निकासी इनसे करवाया जाएगा उसका कमीशन इन लोगों को दिया जाता है।